ये गाड़ी हमारे घर आई है जी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ये है जी होंडा सिविक 2005 मैनुअल ट्रांसमिशन है। इसकी इंजन चेक लाइट आ रही है, चेक करते हैं क्यों आ रही है। आज का सारे काम घर पे ही हो रहे हैं, तो चलो यार इसमें आपके साथ इस काम को शेयर करते हैं कि इसमें क्या मसला आ रहा है। गाड़ी वैसे यार ठीक है, आरपीएम ठीक ले रही है, वो थोड़ा आरपीएम डाउन कर रही है। ये रेस दे के छोड़ते हैं ना, ये डाउन कर रही है। चेक करते हैं इसमें क्या मसला है। सॉरी, टोयोटा नहीं है। ये होंडा है, मैंने बंदे को गाली बुला लिया यार, आ जाओ। बंदे घर ही आ रहे हैं और शॉप बंद है। चलो काम तो कर रहे हैं यार, हल्का फुल्का जो आ जाता है तो आपके लिए भी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। कोड आ रहा है p0113 इनटेक सेंसर सर्किट हाई वोल्टेज। इसका या तो ग्रिप शिप लूज होगा बस, और करवा नहीं होगा। बाल खोलते हैं और दिखाते हैं आपको सेंसर कौन सा होता है और ये वजह क्या है। होगा ग्रिप शिप लूज ही होगा, कोई इससे बड़ा काम नहीं है, क्योंकि सर्किट का आ रहा है। चेक करते हैं। फैन भी इसका डेड किया हुआ है, लगता है ये स्विच खराब है। जो तो कोड आ रहा है इसका आ रहा है एयर इंटेक का। हाँ ये ग्रिप उतरा हुआ है, लूज है। ग्रिप लग गया मगर लाइट पे भी नहीं गई। अभी इसको डीटीसी करते हैं क्लियर, इसकी को कोड वॉश करना ज़रूरी है। होंडा में क्या है, पहले आप गाड़ी को बंद करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे, बंद हो गया, और फिर आप ऑन करेंगे, फिर आप इसको करेंगे ओके, ओके हो गया। अब इसका इंजन चेक लाइट नहीं आ रहा, ठीक है ना, ऑफ हो गया खुद ही। ये माशाल्लाह बंद हो गया, और आरपीएम भी इसका ठीक हो गया। जो आरपीएम तंग कर रहा था, गाड़ी में मसला आ रहा था, वो ही माशाल्लाह ठीक हो गया, काम बंद हो गया। ले जी माशाल्लाह काम मुकम्मल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नमाज 5 टाइम पढ़ें, हाथ अंदर घर में जाएं हाथ धोएं, बाहर आएं ग्लास पहने, मास्क पहने, अपना ख्याल करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।